नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांटसैप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है एंड वेलकम टू पार्ट टू ऑफ द पोजिशनल ट्रेडिंग वाला इंस्टॉलमेंट फ्रॉम जर्नी टू बिकमिंग अ प्रो ट्रेडर या प्रो ट्रेडर की जर्नी, ऐसा कुछ हम नाम देंगे इस सीरीज को। अब तक नाम स्टिल फाइनलाइज नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट द सेकेंड वीडियो इन द सीरीज। यू कैन सी दैट माई शर्ट इज डिफरेंट, तो दिस इज डे टू, एक्चुअली सेकेंड डे है ये वीडियो का। कल के दिन पर हमने पार्ट वन रिकॉर्ड किया था, आज के दिन पर हमने पार्ट टू रिकॉर्ड किया है। देयर इज अ रीजन फॉर इट, तो मैं बताऊंगा कि हमने उसी दिन पर दोनों वीडियोस क्यों नहीं रिकॉर्ड किए। तो पहले तो मैं समराइज कर लेता हूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पर वापस आ जाइए। तो आइडिया ये था इस सीरीज का कि एक प्रो ट्रेडर की जर्नी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्रो ट्रेडर मींस, बहुत लोगों को पता होता है कि व्हाट अ प्रो ट्रेडर इज, बट अगर आप लोगों को नहीं पता, प्रो ट्रेडर इज अ ट्रेडर हु गेट्स पेड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, उसको ट्रेड करने के पैसे मिल रहे हैं, सिंपल एज दैट। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सस्टेनेबल ट्रेडर जो मार्केट में सस्टेन कर पा रहा है, ही इज अ प्रो ट्रेडर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने प्रीवियसली क्या सीखा, दिस वॉज द पोजिशनल ट्रेडिंग वाला इंस्टॉलमेंट। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में हम सीख रहे हैं कि आप कैसे एक टॉप डाउन व्यू बना सकते हो और टॉप डाउन व्यू बनाने के बाद आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया था, ओके। द टू पार्ट्स वर व्हाट टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड, तो ऐसे दो पार्ट हमने बनाए थे। प्रीवियसली हमने व्हाट टू ट्रेड कवर किया, तो व्हाट टू ट्रेड में हमने सीखा कि कैसे आप जाकर एक स्टॉक तक पहुंच सकते हो, एक स्टॉक आप कैसे जाकर पिक कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज आउट ऑफ द एंटायर एफएनओ बास्केट हमें 182 स्क्रिप्ट्स हैं और उन 182 स्क्रिप्ट्स में से जाकर हमें एक स्टॉक को पिक करना है। तो वो बुलिश हो सकता है या बेरिश व्यू हो सकता है आपका उसके ऊपर, बट स्टॉक पिक करना इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स सफर फ्रॉम। तो वो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा था, ठीक है। तो वी स्टार्टेड विथ ट्रैप इंडिकेटर, ओके, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू मॉडिफाइड पीसीआर एज वेल। तो मैंने सबको बताया कि पहले हमें बाजार पे एक व्यू बनाना है कि निफ्टी, जो हम बाजार को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, निफ्टी का व्यू बुलिश है या बेरिश है, सबसे पहले हम वो ढूंढेंगे और फिर उसके हिसाब से हम जाकर एक स्टॉक को पिक करेंगे। सो दैट इज द सिंपलेस्ट आइडिया दैट यू कैन हैव आउट ऑफ इट, बिकॉज एक बाजार एक नदी की तरह है और अगर आपको कहीं पर भी आगे की तरफ बढ़ना है तो आपको नदी के बहाव के साथ स्विम करना पड़ेगा। सो वो एक बहुत ही क्लीशे सा लाइन माना था मैंने, तो वो चीज आई होप आप लोगों को ठीक ठाक एटलीस्ट पसंद आया होगा, ठीक है। सो अब हम शुरुआत करेंगे ऑन हाउ टू ट्रेड इट। व्हाट टू ट्रेड हमने सीखा और उसका मैं थोड़ा बहुत और समरी लाऊंगा उसके अंदर, बट हाउ टू ट्रेड इट पर हम अभी आएंगे, ठीक है। मेरा नाम वरुण है, फॉर पीपल हु आर न्यू, फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो मी, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। सो आई एम प्राइमरली द ट्रेनर हियर एट क्वांटसैप एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं व्हाइट बोर्ड पर एकदम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं सिंपली व्हाइट बोर्ड में ओपन करूंगा बिकॉज एवरीवन नोज आई लाइक व्हाइट बोर्ड, बट मैं सबसे पहले तो क्वांटसैप की स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो दिस इज वेब ऐप, ठीक है, क्वांटसैप का वेब ऐप है web.quantsapp.com। सिंस आई एम ऑन डेस्कटॉप तो मैंने ओपन किया है, बट अगर आप एंड्रॉइड iOS पर हो तो आप डायरेक्टली जाकर ऐप इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। सो इसके अंदर हमने सबसे पहले चेक किया था मॉडिफाइड OIPCR। तो OIPCR, अगर मैं PCR टाइप करूं तो OIPCR हिस्टोरिकल आपको दिखेगा ये टूल सर्च ऑप्शन के अंदर। यू जस्ट ओपन दिस, इसके अंदर ये जो मॉडिफाइड PCR वाला टॉगल है, इस टॉगल को हम एनेबल करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है बट इनकेस अगर ये डिसेबल्ड है तो इसे हम एनेबल करेंगे। तो मॉडिफाइड PCR का कंसेप्ट आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो कि कैसे ये चीज वेटेड पीसीआर को थोड़ा और फर्दर मॉडिफाई करके आपको इंडिकेशन देती है कि बाजार का मोमेंटम कहाँ है या बाजार कहां पर जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल, बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स रिवर्सल पॉइंट, इसने एक बेरिश सिग्नल दिया था कल के दिन पर। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि कल के दिन पर इसने एक बेरिश सिग्नल दिया था और निफ्टी का प्राइस कल के दिन पर इट वॉज 22743। तो अभी आप देख सकते हो करंटली निफ्टी प्राइस 22487। सो निफ्टी आज गिरा है, ठीक है, आज के दिन पर थोड़ा सा डिफरेंट था, निफ्टी अच्छा खासा गिरा है आज। बैंक निफ्टी भले ही सपोर्ट कर रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा था, बट निफ्टी हैज फॉलन डाउन मेजरली ड्यू टू द ऑयल सेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया।
तो ये काम कर रहा है, ये हमने अभी जस्ट प्रूव किया। तो द रीजन जो मैंने कहा था कि एक स्पेशल रीजन है कि हम इसे दो अलग अलग दिन पर कर रहे हैं बैक टू बैक, दैट इज सो दैट जो सिग्नल है उस सिग्नल को मैं एटलीस्ट आप लोगों के सामने वेरीफाई कर सकूं कि 29th को सिग्नल आया था एंड 30 तारीख को सिग्नल एक्चुअली चला है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आइडिया दैट यू कैन यूज एज वेल। ये अगेन कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई बाय एंड सेल सिग्नल नहीं है, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन बेस्ड ऑन द रिवर्सल ऑफ मॉडिफाइड पीसीआर, कि मॉडिफाइड पीसीआर कब रिवर्स कर रहा है, उसके साथ बाजार कैसे बिहेव करेगा, उसका एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन यहां पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहां से हम क्या कर रहे थे, हमने कहा कि हमें ओके इंडेक्स पे तो हमने व्यू बना लिया है, हमें जाकर भी स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो हमने यहां से क्या किया, फिर हम सिंपली गए ट्रैप इंडिकेटर के अंदर, विच इज अ क्वांट मॉडल। अगेन ट्रैप इंडिकेटर एक क्वांट बेस्ड मॉडल है जो आपको डायरेक्टली बताता है कि कौन से स्टॉक्स में कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहा है, कौन से स्टॉक्स में पुट राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो दो टाइप के सिग्नल आते हैं, एक होता है कॉल राइटर्स ट्रैप और एक होता है पुट राइटर्स ट्रैप, जैसे आप यहां पर देख रहे हो। ठीक है, पुट राइटर्स ट्रैप एंड कॉल राइटर्स ट्रैप। अगर पुट राइटर्स ट्रैप का सिग्नल है दैट मींस जो स्टॉक है वो एक बेयरिश डायरेक्शन में जा रहा होगा, बिकॉज जो पुट सेलर्स है वो लोग एक बेयरिश ट्रेंड में ट्रैप होते हैं, और अगर कॉल राइटर्स ट्रैप है मतलब वो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जा रहा होगा, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है वो लोग एक बुलिश ट्रेंड में जाकर ट्रैप हो जाते हैं। सो दैट इज द जनरल आइडिया दैट वी आर फॉलोइंग। ठीक है, अभी इसमें भी अगर मैं कल के दिन के सिग्नल आप लोगों को दिखाऊं, यू कैन सी दीज आर द सिग्नल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ज्यादातर सिग्नल जो आए थे वो भी पुट राइटर स्ट्रैप के सिग्नल थे, बस एक या दो सिग्नल थे जो कॉल राइटर स्ट्रैप के थे, एक ही सिग्नल था एक्चुअल में जो कॉल राइटर स्ट्रैप पर था। ठीक है, और आप देख सकते हो यहां पर रिटर्न्स में मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैव गिवन अ पॉजिटिव रिटर्न। ठीक है, मेजोरिटी जो स्टॉक्स है उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया, बस दो स्टॉक्स है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सारे स्टॉक्स नीचे गिरेंगे और ये सारे अराउंड 7%, 5%, 3%, 2%, 1% ऐसे गिरे हैं। ठीक है, तो द डायरेक्शन इज क्वाइट सिंपल। जैसे एक एग्जांपल लू तो बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस मैंने प्रीवियस वीडियो में एनालाइज करके बताया था कि बजाज फाइनेंस कुड गो फर्दर डाउन। ठीक है, बिकॉज इसमें आई गेस मॉडिफाइड पीसीआर ने भी सिग्नल दिया था। तो इफ आई जस्ट शोकेस दैट, तो अगर मैं बजाज फाइनेंस लगाऊं यहां पर, यहां देखिए, सो मॉडिफाइड पीसीआर हैड आल्सो गिवन अ बेयरिश सिग्नल। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ सिंपल आइडिया कि यहां पर बजाज फाइनेंस नीचे गिर सकता था। ठीक है, तो ये चीज ऐसे ही काम आता है, राइट। देख सकते हो कि मेजरली जो सिग्नल्स है वो पॉजिटिव है, तो इनमें से कोई भी एक स्टॉक आप जाकर पिक कर सकते थे। तो अगेन अ गुड थिंग कि हमने दो अलग अलग दिन पर इसे रिकॉर्ड किया, सो दैट मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक्चुअल में जो सिग्नल्स थे वो कैसे दिख रहे थे और नेक्स्ट डे पर उन सिग्नल्स का क्या हाल हुआ वो आपको पता चलता। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर बार जो सिग्नल्स है वो एकदम अच्छा स्ट्राइक रेट देते हैं, आई विल नॉट कमेंट ऑन द स्ट्राइक रेट बिकॉज अगेन दैट इज एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है इफ यू डू प्रॉपर एनालिसिस, अगर आप थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो उस केस में देर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल एंड अप इन अ गुड सिनारियो। ठीक है, एक अच्छे आप सिचुएशन में रहोगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ गुड सिचुएशन जहां पर यू आर मेकिंग डिसेंट मनी। ठीक है, तो ये चीज वैसे ही काम आती है। अभी व्हाट वी विल लुक एट इज वी विल लुक एट अ कपल मोर वेज टू फर्दर फिल्टर द सिग्नल्स, और फिर हम कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वी विल लुक एट अ फ्यू स्ट्रैटेजीज, इंडेक्स ट्रेडिंग की भी स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगा, मैं स्टॉक्स ट्रेडिंग की भी स्ट्रैटेजी की बात करूंगा। तो आई विल कंसिडर अ कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हो, इफ यू आर लुकिंग एट सम स्ट्रैटेजीज, तो मैं एक आप लोगों को पहले फ्लो बता देता हूं कि व्हाट आई विल डू। ठीक है, सो जैसा मैंने कहा मॉर्निंग में 8 o'clock को आप आओगे। ठीक है, मॉर्निंग में 8 o'clock को, और जो प्रीवियस डे के सिग्नल्स हैं उनको आप ओपन कर लोगे। सो मार्केट ओपन होने से पकड़ लो घंटे भर पहले आप ओपन करोगे ट्रैप इंडिकेटर को और प्रीवियस डे के जो भी सिग्नल्स हैं आप लगा लोगे। अभी लेट्स से अज्यूम करते हैं कि टुडे इज 30th of May, लेट्स से मैं 31st के मॉर्निंग को जाकर सिग्नल्स को देख रहा हूं, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 31st की मॉर्निंग को मैं सिग्नल्स को देख रहा हूं, तो ये 30 तारीख वाले सिग्नल्स मैं कंसिडर करूंगा। एक छोटी सी चीज, अगर किसी भी स्टॉक का नाम आपको दिख रहा है रेड कलर में है तो दैट मींस दैट स्टॉक इज इन द बैन लिस्ट। तो हिंद कॉपर इज इन द बैन लिस्ट, तो इसमें हम फिलहाल के लिए ट्रेड नहीं बनाएंगे, तो वी विल इग्नोर दिस स्टॉक बिकॉज बैंड स्टॉक में एनीवेज ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते ट्रेड करने को। जो ब्रोकर्स अलाउ करते हैं समटाइम्स हैव अ रिस्क ऑफ गेटिंग यू अ फाइन, तो इसीलिए हम उसे इग्नोर करेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं वी हैव सारे पुट राइटर्स ट्रैप के सिग्नल है,
तो सिंस बाजार ओवरऑल गिर रहा है तो आई नो कि पुट राइटर्स ट्रैप के सारे सिग्नल्स आए हुए हैं या मेजरली अभी दिख रहा है कि मुझे बेरिश ट्रेड ही बनाना है। तो अभी टाइटन है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, डॉक्टर रेड्डी है, टाटा केम है, टीसीएस है, नवीन फ्लोरिन है, देर आर अ फ्यू सिग्नल्स, ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत सारे हैं, बट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट सिग्नल्स है हमारे पास। अभी इन सिग्नल्स को एक एक करके हम मॉडिफाइड पीसीआर में जाकर चाहिए तो चेक कर लेते हैं। तो लेट्स लुक एट टाइटन, ठीक है, टाइटन अगर मैं ओपन कर लूं, ठीक है, सो टाइटन में मुझे दिख रहा है कि यस्टरडे इटसेल्फ, कल के दिन पर इसने एक बेरिश सिग्नल दिया था मुझे, ठीक है, इट हैड सजेस्टेड कि यहां से यू नो मॉडिफाइड पीसीआर हमें बता रहा है कि बाजार गिर सकता है, तो टाइटन का स्टॉक गिर सकता है। तो टाइटन इज अ गुड स्टॉक जिसमें हम एक बेरिश स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं, इफ आई जस्ट ओपन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तो आई जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 24 को ही सिग्नल आया था फॉर बेरिश, तो दिस ऑल्सो लुक्स गुड मेरे हिसाब से, LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी एक ट्रेड हो सकता है। डॉक्टर रेड्डी और टाटा कैन भी चेक कर लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी में ओके, डॉक्टर रेड्डी में अब तक सेल सिग्नल आया नहीं है या एक बेरिश सिग्नल आया नहीं है, तो इसमें हम बिल्कुल भी यू नो ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट टाटा कैम देन, इसके अलावा टाटा कैम ओके, अगेन टाटा केम काइंड ऑफ लाइक टाइटन, उसने भी कल के दिन पर एक बेरिश सिग्नल दिया था बेस्ड ऑन मॉडिफाइड पीसीआर रिवर्सल, के मॉडिफाइड पीसीआर यहां से ऊपर आने वाला है तो बाजार फिर यहां से गिरेगा, सो दिस इंडिकेट्स अ गुड यू नो इंडिकेशन कि यहां से गिरेगा। टीसीएस और नवीन फ्लोरिन भी चेक कर लेते हैं, टीसीएस ओके, टीसीएस चेक कर देते हैं, टीसीएस भी सिमिलर, देखिए कल के दिन पर देयर वाज अ सिग्नल, नवीन फ्लोरिन पर ओके, सो नवीन फ्लोरिन इज गुड, कि नवीन फ्लोरिन लुक्स गुड, कुछ यू नो बेरिश ही है अब तक नवीन फ्लोरिन, बट नवीन फ्लोरिन में सिग्नल थोड़ा पुराना है, तो आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस, थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा मैं। तो अभी फाइनली श्रीराम फाइनेंस और जीएनएफसी, श्रीराम फाइनेंस में आज ही सिग्नल आया है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड पीसीआर यहां से ऊपर आने वाला है तो बाजार के गिरने के चांसेस और है यहाँ पर, सो दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो श्रीराम फाइनेंस भी गिर सकता है, जीएनएफसी भी चेक कर लेते एक बार जस्ट फाइनल, तो एक मॉर्निंग रूटीन आप बना सकते हो उसे। जीएनएफसी में भी एक बेरिश सिग्नल आया है, अभी इनमें मैं कौन सा स्टॉक पिक करूंगा, आई विल पिक द स्टॉक जिसमें कल के दिन पर ही एक सेल नहीं कहूंगा मैं, बट कल के दिन पर ही एक बेरिश सिग्नल आया था बेस्ड ऑन मॉडिफाइड पीसीआर या बेस्ड ऑन वेटेड पीसीआर, तो विच वॉज श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस अगर आप देखो तो 30 तारीख को देर वॉज अ पुट राइटर्स ट्रैप सिग्नल, एंड सिमिलरली मॉडिफाइड पीसीआर में श्रीराम फाइनेंस में 30 तारीख को ही देर वॉज अ बेरिश इंडिकेशन, तो दिस इज एज गुड एज एज इट गेट्स। जितना पुराना सिग्नल रहेगा मॉडिफाइड पीसीआर का, उतना इनइफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं, तो एकदम पुराने अगर मॉडिफाइड पीसीआर के सिग्नल है यू कैन स्टिल ट्रेड दोस, बट मैं थोड़ा सा उस पर कॉशियस रहता हूं। तो श्रीराम फाइनेंस में मैं थोड़ा सा एक यू नो अच्छा सा ट्रेड एंटिसिपेट कर सकता हूं कि श्रीराम फाइनेंस यहां से प्रॉबेबली गिर सकता है बेस्ड ऑन एनालिटिक्स, ठीक है, जो डेटा मुझे बता रहा है वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो श्रीराम फाइनेंस इज अ स्टॉक जिसको मैं पिक करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एक और चाहिए तो तीसरा टैब ओपन कर सकता हूं, आई जस्ट ओपन अ थर्ड टैब, आप सेम टैब में करना चाहते हो आप सेम टैब में कर सकते हो, इट हार्डली मैं दो अलग अलग टैब ओपन कर रहा हूं, बट थर्ड टैब में लेट्स से आई विल ओपन आर्किटेक्ट, तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप सिंपली ऑप्शंस आर्किटेक्ट ओपन करोगे, ठीक है, आप श्रीराम फाइनेंस में जाइए, आप एक्सपायरी लगा लीजिए, तो अभी 30th में टुडे वाज द मंथली एक्सपायरी, तो मैं ट्रेड बनाना चाहूंगा 27th जून वाली एक्सपायरी में, बिकॉज जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है दैट हैज एक्सपायर्ड, तो इसमें आप जाकर कोई भी एक बुलिश या बेरिश या इधर वेज या ऑसिलेटिंग में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज इन दैट पर्टिकुलर व्यू। तो मैं बेरिश देखना चाहता हूं, लेट से मैं लॉन्ग पुट शॉर्ट कॉल बेयर कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड कोई भी एक चीज में जाकर कर सकता हूं, लेट से मैं कस्टम से शुरुआत करता हूं, ठीक है, तो करंट प्राइस अगर आप देखो फ्यूचर प्राइस इज 2300 That is for 30th May, but अगर मैं 27 जून देखूं, okay, 2317.3 रुपीस का फ्यूचर प्राइस चल रहा है। इसका अगर हम एट द मनी स्ट्राइक देखें तो एट द मनी स्ट्राइक शुड बी दिस, दिस शुड बी द एट द मनी स्ट्राइक। अगर आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहीं पर आप एक्सपायरी सिलेक्ट कीजिए,
और सिंपल लॉन्ग पुट से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एट द मनी स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लेगा, मेरी तरह आपको एक्सपायरी चेंज और स्ट्राइक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज माय लॉन्ग पुट, पुट ऑप्शन मैं बाय कर रहा हूं यहां पर, तो दिस इज माय लॉन्ग पुट। अभी एक दो चीजें मुझे लगती है यहां पर, सो बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड मैं एक दो चीजें क्लियर रखता हूं। आई नीड अ सिंपल थिंग विच इज टारगेट एंड आई नीड अ सिंपल थिंग विच इज स्टॉप लॉस। सिंपल सी बात है। तो एग्जिट कब करेंगे, तो दो सिनेरियोस है, या तो आप ट्रैप इंडिकेटर के बेसिस पर एग्जिट कर सकते हो, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रैप इंडिकेटर दस प्रोवाइड एग्जिट। तो डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग में अराउंड 8 बजे के आसपास आकर देख सकते हो कि ट्रैप इंडिकेटर में सिग्नल है या नहीं है। तो रोज मॉर्निंग में 8 बजे में जाकर श्रीराम फाइनेंस जाकर सर्च करूंगा, अगर श्रीराम फाइनेंस मुझे नहीं दिखता है मॉर्निंग में 8 बजे, मैं मार्केट ओपन होते ही 9:15-9:20 के आसपास जाकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ एग्जिट्स, ठीक है। मॉडिफाइड पीसीआर में भी एग्जिट्स क्वाइट क्लियर है, यहां पर एक बेरिश सिग्नल आया है, जैसे ही ये सिग्नल बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही मैं मार्केट ओपन होते ही स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो दोनों चीजें ऑब्वियसली हम 8 बजे के आसपास देखेंगे। तो अगर आप नया ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहे हो तो पुराने ट्रेड्स को भी आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए कि उनका एग्जिट आया है या नहीं आया है। तो ट्रैप इंडिकेटर में एग्जिट आने पर सिग्नल हट जाएगा और मॉडिफाइड पीसीआर में वो रेड ट्राइंगल का ग्रीन ट्राइंगल हो सकता है या ग्रीन ट्राइंगल का रेड ट्राइंगल हो सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा था, एक दो चीजों की मुझे जरूरत पड़ती है व्हेन आई एम एंटरिंग अ ट्रेड, तो टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो उसके लिए मैं नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट यूज करता हूं। ओपन इंटरेस्ट इज समथिंग दैट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर मी। तो ओपन इंटरेस्ट सर्च करेंगे और ओपन इंटरेस्ट सिंपली ओपन कर लेंगे। तो श्रीराम फाइनेंस का 27th जून की एक्सपायरी पर मैं देख रहा हूं ओपन इंटरेस्ट डेटा, एंड आई विल लुक एट द हेवीएस्ट पुट। मैं हेवीएस्ट पुट को देखूंगा बिकॉज दैट विल बी द पॉइंट जहां पर बाजार टच करके वापस ऊपर आ सकता है, ठीक है। बाजार वहां से टच करके वापस ऊपर आ सकता है बिकॉज अभी करंट प्राइस चल रहा है 2317। सो 2200 के प्राइस पर मेजर सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो आई कैन क्लियरली सी कि सबसे बड़ा रेड बार यहां पर है ऑन द 2200 स्ट्राइक, ठीक है। 2200 के पुट में सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है। तो जो पुट सेलर्स है वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाजार गिरेगा, बट 2200 से नीचे नहीं गिरेगा। तो दिस इज द क्लियर एंटिसिपेशन ऑफ द राइटर्स। तो दिस विल बी माय टारगेट। स्टॉप लॉस के लिए मैं क्या लगा सकता हूं, तो जो हेवीएस्ट कॉल है या सबसे बड़ा ग्रीन बार जो है उस स्ट्राइक को मैं जाकर लगा सकता हूं इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा 2400 का। तो यही चीज मैं यहां पर पकड़ कर चलता हूं कि लेट्स से अगर मेरा ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस है टू एक्सपायरी, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्सपायरी तक इसे होल्ड करूंगा, ठीक है। ज्यादा यू नो एकदम ज्यादा होल्ड नहीं करना है, आई नो ज्यादा हम इसे होल्ड नहीं करेंगे, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल अगर आपको होल्ड करना है इसे तो आप एक तरीके से पकड़ सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको लेट्स से टारगेट एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से टाइम स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, या अगर आपको जाकर नंबर ऑफ डेज डिकोड करने की कितने दिन लगेंगे आपका टारगेट अचीव होने में, तो आई सिंपली डिसाइड बेस्ड ऑन ATR। तो यहां पर मैं काम करता हूं, एक चार्ट ओपन कर लेता हूं, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस का ही हम चार्ट ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के फ्यूचर्स का, ठीक है। जो नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर्स है श्रीराम फाइनेंस का 27 जून के फ्यूचर्स का हम डेटा देख रहे हैं, ठीक है। ये डेली चार्ट है बाय द वे। इसमें मैं सिंपल एक चीज करता हूं, तो ATR ऐड कर लूंगा, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या करता है, तो पिछले 14 डेज का, बाय डिफॉल्ट 14 वैल्यू का ATR होता है, पिछले 14 डेज के हाई और लो के डिफरेंस का जो एवरेज होता है ना वो आपको ATR बताता है, ठीक है। ATR आपको वही शोकेस करके देता है। तो आप देख सकते हो यहां पर ATR का वैल्यू इज 64, मतलब पकड़ लीजिए 65 पॉइंट्स, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 65 पॉइंट से मूव कर रहा है श्रीराम फाइनेंस, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस डेली बेसिस पे इतना मूव कर रहा है। इसके बेसिस पे अगर मैं टारगेट लगाने जाऊं, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं करंट पे टारगेट लगाने जाऊं, व्हाट इज द टारगेट, प्राइस रेंज कहां पर गया मेरा, माय बैड, प्राइस रेंज लेट्स से इसके क्लोजिंग से मैं पकड़ना चाहता हूं अराउंड 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो
मेरा टारगेट मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं 2200, ठीक है। तो 5% का मूव मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं और स्टॉप लॉस यही मैं अगर लगाने जाऊं तो स्टॉप लॉस टेक्निकली लगाने की जरूरत नहीं, वैसे देखने को जाए तो स्टॉप लॉस के लिए मैं सिंपली एक लाइन लगा लेता हूं, ठीक है। आई विल हैड अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर स्टॉप लॉस, ठीक है। 2400 पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। दिस इज माय स्टॉप लॉस, दिस इज माय टारगेट। अभी जो मेरा 100 पॉइंट्स का टारगेट है, 100 पॉइंट्स, हाँ 117 पॉइंट्स, हाँ टेक्निकली 117 पॉइंट्स होगा, 117 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, ठीक है। तो 117 पॉइंट्स के टारगेट को अगर मैं 65 से डिवाइड करूं तो पकड़ लो कि मुझे अराउंड 2 दिन लगेंगे मेरा टारगेट अचीव करने में। अभी एक चीज मैं हमेशा कंसिडर करता हूं, जो एटीआर वैल्यू है, सबसे रिसेंट वाला एटीआर वैल्यू, उसको मैं हाफ कंसिडर करूंगा। वाई हाफ? बिकॉज कोई भी स्टॉक इतना फॉरगिविंग हो नहीं सकता है, कोई भी स्टॉक इतना फेवरेबल हो नहीं सकता कि डेली बेसिस पर एक सेम मोमेंटम से चलेगा। तो इसीलिए इसका जो एटीआर वैल्यू है, एटीआर वैल्यू को मैं नॉर्मली कंसिडर करता हूं। 65 का वैल्यू है तो मैं पकड़ लूंगा अराउंड 30 का वैल्यू, कि डेली बेसिस पे 30 पॉइंट से मूव कर रहा है, तो मेरा जो 120 पॉइंट का टारगेट है इसको 4 दिन लगेंगे। इट विल रिक्वायर 4 days टू अचीव दैट टारगेट, ठीक है। 4 दिन लगेंगे उस टारगेट पर आने के लिए, तो 4 days आई जस्ट एड डेट रेंज में, ठीक है। डेट रेंज के हिसाब से 1, 2, 3, 4 ट्रेडिंग सेशंस, तो 4 ट्रेडिंग सेशंस लगेंगे यहां पर मेरा टारगेट अचीव होने में। सिंपल एज दैट, 4 ट्रेडिंग सेशंस लगेंगे मेरा टारगेट अचीव होने में। दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय फोरकास्ट, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज एकदम यू नो डिफिकल्ट नहीं करता मैं, इस चीज को मैं एकदम सिंपल रखता हूं, सो दैट ज्यादा एनालिटिक्स देखने की जरूरत नहीं पड़े। एंड आप स्लाइटली आप देख सकते हो, थोड़ा बेटर एक्यूरेसी से आप एक टाइम सेट कर पाओगे कि कब तक आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका टारगेट अचीव होना इज अप टू द मार्केट, बट स्टिल आपको एक टाइम स्टॉप लॉस मिल जाएगा यहाँ पर, तो इट विल हेल्प यू विथ योर फोरकास्ट, ठीक है। इट विल हेल्प यू विथ योर फोरकास्ट। तो 117 पॉइंट्स, तो 4 दिन तो लगेंगे, 120 पॉइंट पकड़ लो तो 4 दिन लगेंगे आपका टारगेट अचीव होने में, अगर 30 पॉइंट से डेली बेसिस पर श्रीराम फाइनेंस गिर रहा है, ठीक है। 4 ट्रेडिंग सेशंस, तो वी हैव टुमारोज डे विच इज फ्राइडे, ठीक है। फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, तो डायरेक्टली 3 तारीख को हम रिज्यूम करेंगे, ओके। और ये सारे दिन है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट आइडिया। तो द टारगेट डेट इज 5th of June, लेट मी सी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5th of June के ईओडी तक मैं प्रॉब्लमली स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, 5th of June के ईओडी तक। अभी व्हाट यू नीड इज अ स्ट्रैटेजी, आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, बिकॉज फ्यूचर्स में जो भी आपका रिवॉर्ड रिस्क हो, ऑप्शंस के नॉन लिनियर और डायनामिक प्रोफाइल को आपको कंसिडर करना है। तो इफ आई जस्ट ओपन द ऑप्शन चेन, अगर मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन चेन ओपन करूं, श्रीराम फाइनेंस का ऑप्शन चेन हम ओपन करते हैं, देर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन कॉम्बिनेशंस, हजारों कॉम्बिनेशन है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस, ठीक है। हजारों कॉम्बिनेशन है जिनमें आप जाकर ट्रेड्स ढूंढ सकते हो, हजारों कॉम्बिनेशंस। अभी मैं हजारों कॉम्बिनेशन जाकर अगर मैन्युअली देखने जाऊं तो मेरा तो पूरा दिन निकल जाएगा उसमें, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड इज एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम की जरूरत है जो आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी देगा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड अ गुड रिवॉर्ड टू रिस्क। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, आप आ सकते हो हमारे ऑप्टिमाइजर के अंदर। तो आप या तो मैनुअल स्ट्रैटेजी बिल्ड करके देख सकते हो, या तो फिर आप जा सकते हो ऑप्टिमाइजर के अंदर। तो ऑप्टिमाइजर इज समथिंग दैट आई यूज, तो ऑप्टिमाइजर सर्च करके ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी में जाइए, आप बस आपका स्क्रिप्ट सिलेक्ट कीजिए, करंट मार्केट प्राइस आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, तो 317 पे रहेगा करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। 317 था, 2317, ठीक है, 2317 का मेरा करंट मार्केट प्राइस मैंने लगा लिया है, माय डायरेक्शन इज बेरिश। टारगेट डेट मैं लगा लूंगा 5th of June, विच इज वेनेसडे, ठीक है। टारगेट मैं लगा लूंगा 2200 एंड स्टॉप लॉस मैं लगा लूंगा 2400। अभी आप डायरेक्टली गेट स्ट्रैटेजी पर क्लिक कर सकते हो। तो आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन, जो लाखों स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन है, उसमें से 5 बेस्ट स्ट्रैटेजीज आपको निकाल कर देगा बेस्ड ऑन मैक्सिमम रिवॉर्ड टू रिस्क। तो ये जो 5 स्ट्रैटेजीज है, इनसे बेहतर स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है पूरे ऑप्शन चेन के अंदर। तो इट इज ऑल्सो कंसिडरिंग द लिक्विडिटी ऑफ द स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स की थोड़ी लिक्विडिटी भी कंसिडर करता है ये,
और इन जनरल ओवरऑल ऑप्शन मैथमेटिक्स के हिसाब से ये पांच स्ट्रैटेजीज आपको दिखता है, ठीक है। तो इसमें से मैं नॉर्मली क्या करता हूं, तो जो बेस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है वो मैं पिक कर लूंगा, तो हो सकता है बेयर कॉल स्प्रेड मैं जाकर पिक कर लूंगा यहां पर, ठीक है। तो वी कैन चेक एनीथिंग, यहां पर आपको दिखेगा सबका टारगेट प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ड्रॉडाउन, ड्रॉप, जो भी है, रिवॉर्ड टू रिस्क, पे ऑफ ग्राफ, आप सब देख सकते हो। एक और चीज मैं कभी कभी लोगों को बताता हूं कि अगर आपको सिर्फ लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज चाहिए तो ऑप्शनल पैरामीटर्स में जाकर आप लिमिटेड रिस्क ओनली को अप्लाई कर सकते हो। तो नाउ इट विल ओनली गिव यू द लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजीज में अनडिफाइंड रिस्क नहीं है वो स्ट्रैटेजीज आपको निकाल कर ये देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो बेयर कॉल स्प्रेड इज स्टिल द वन जो मैक्सिमम रिवॉर्ड टू रिस्क आपको लाकर दे रहा है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बेयर कॉल स्प्रेड, ठीक है, बेयर कॉल स्प्रेड मुझे बनाना है, आई नो कि मुझे एक कॉल जाकर बेचना है महंगा वाला और एक सस्ता वाला कॉल मुझे जाकर बाय करना है, तो वो मेरा एक क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा, ठीक है। बट कौन से स्ट्राइक्स पर करूं ये मुझे कौन बताएगा? तो सिंपलेस्ट आइडिया है, बस क्लिक कीजिए इसके ऊपर, द टूल विल गिव यू स्ट्राइक्स, जो टूल है वो आपको स्ट्राइक्स देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक स्पैन मार्जिन देता है आपको, ठीक है, यू कैन सी द नंबर ऑफ डेज विच इज सिक्स, नंबर ऑफ डेज सिक्स इसीलिए कंसिडर कर रहा है बिकॉज बीच में एक वीकेंड आ रहा है। रिवॉर्ड रिस्क इज 2.47, यहां पर देखिए आपको बता रहा है कि 2420 का आप एक कॉल बाय कर लो ₹70 का और 2300 का कॉल आप जाकर बेच दो, ठीक है, ₹112 का। तो दिस इज समथिंग दैट इट इज सजेस्टिंग कि ये स्ट्रैटेजी आप जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। विद इन 4 days अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो आपको अराउंड 7000 का प्रॉफिट होगा और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको अराउंड 3000 का लॉस होगा। तो दैट इज हाउ यू यूज दिस, ठीक है। आपको यहां पर दिख जाएगा, देखिए एट बेस्ट आईवी आपको थोड़ा स्लाइटली बेटर प्रॉफिट है, एट वर्स्ट आईवी स्लाइटली कम प्रॉफिट और थोड़ा ज्यादा लॉस, और ऑन एवरेज अगर आईवी वहीं का वही रहता है तो भी दिस इज द फोरकास्ट, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर जाकर करोगे, तो इसी चीज को आप आर्किटेक्ट में जाकर ओपन कर सकते हो। इफ आई वांट टू ओपन दिस डायरेक्टली इन आर्किटेक्ट, यहां पर देखिए ये आर्किटेक्ट में सिंपली जाकर ओपन हो गया। आर्किटेक्ट में अगर आपको और थोड़ा एनालाइज करना है तो इसे आप सिंपली जाकर एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। यहां पर आपको एंट्रीज भी बता रहा है, देखिए ठीक है, कौन से प्राइस पर जाकर आपको एंट्री करनी है। करंट मार्केट प्राइस इज डिफरेंट यहां पर ऑब्वियसली, बट यहां पर आपको एंट्री प्राइसेस भी बता रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी मच सिंपल, अगर आप एक्चुअल में देखने जाओ तो इट इज क्वाइट इजी टू यूज मेरे हिसाब से, तो भी मेरे हिसाब से दिस टूल इज क्वाइट इजी टू यूज, सो वैसे ही आप इसे यूज कर पाओगे। ऑलराइट, तो एक बार समराइज कर लेते हैं क्विकली, एकदम ज्यादा यू नो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समराइज कर लेते हैं। तो एज अ ट्रेडर अगर हम पोजिशनली ट्रेड करने जा रहे हैं, वॉट डू वी नीड सिंपल थिंग्स जो हमें इफेक्टिव ट्रेडिंग मेथड बनाकर देंगे। 50 चीजें एनालाइज नहीं करनी है, 2 चीजें एनालाइज करेंगे जिसके बेसिस पर आप अच्छा ट्रेड बना सको एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क चूज कर सको। सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, लोग स्ट्राइक रेट के पीछे भागते हैं इंस्टेड ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क। आई ऑलवेज टेल देम फोकस ऑन रिवॉर्ड टू रिस्क, क्यों? बिकॉज कितना भी आप ट्राई कर लो स्ट्राइक रेट इज नॉट इन योर हैंड, कितना भी एनालिसिस कर लो मार्केट इज बाउंड टू प्रूव यू रॉन्ग। कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो बता नहीं सकता कि कल बाजार कहां पर जाएगा और कितने पॉइंट पर क्लोज होगा। इवन आई कैनॉट से इट, इवन यू कैनॉट से इट, हम अंतर्यामी तो है नहीं ना, हम फ्यूचर से वापस आए हुए हैं, इसीलिए स्ट्राइक रेट इज नॉट इन आर हैंड बट रिवॉर्ड रिस्क इज इन आर हैंड। आप सबको पता है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूं, मैं सपने सजाने की बात नहीं करता, हम सबको सस्टेनेबल बनना है इस मार्केट में, तो रिवॉर्ड रिस्क इज इन आर हैंड। के अगर स्ट्राइक रेट आपका 50% है बट इफ यू हैव अ रिवॉर्ड टू रिस्क ऑफ 2:1, डबल का रिवॉर्ड टू रिस्क है आपका, कि जब आप पैसा कमा रहे हो तो ₹20 कमा रहे हो, जब आप पैसा गवा रहे हो तब ₹10 गवा रहे हो, तो ये 50% का स्ट्राइक रेट भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पैसा कमाओगे, जो 5 ट्रेड में आप पैसा कमाओगे उसमें आप ₹20 कमाओगे, जो 5 ट्रेड में आप पैसा गवाओगे उसमें आप ₹10 गवाओगे, तो नेट प्रॉफिट विल ऑलवेज बी ₹50 इन योर पॉकेट। ठीक है, पॉकेट दिख रही है, इसके अंदर ₹50 हमेशा पड़े होंगे आपके। तो इसीलिए फोकस ऑन रिवॉर्ड टू रिस्क, स्ट्राइक रेट भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि स्ट्राइक रेट पर कभी भी यू नो ध्यान मत दीजिए, बट वेटेज हमेशा ज्यादा रिवॉर्ड टू रिस्क की तरफ होना चाहिए, ये मैं लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो अगेन लेट्स समराइज, टॉप डाउन अप्रोच इज द नंबर वन प्रायोरिटी। सबसे पहले हम हमेशा इंडेक्स पर व्यू बनाएंगे या मार्केट पर व्यू बनाएंगे,
उसके लिए हमने क्या देखा था, हमने मॉडिफाइड पीसीआर की बात की थी, राइट? वी हैड टॉक्ड अबाउट मॉडिफाइड पीसीआर। तो मॉडिफाइड पीसीआर से आप इंडेक्स पर भी व्यू बना सकते हो, आप स्टॉक्स पर भी व्यू बना सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मॉडिफाइड पीसीआर के साथ हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स पर व्यू बनाने के बाद हम ट्रैप इंडिकेटर ओपन करेंगे। फिर ट्रैप इंडिकेटर में ज्यादातर स्टॉक्स कॉल राइटर्स ट्रैप है, ज्यादातर स्टॉक्स पुट राइटर्स ट्रैप है, वो देखेंगे और फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए हम मॉडिफाइड पीसीआर को यूज करेंगे, और कब यूज करेंगे, तो यूज हमेशा तब करेंगे एट अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में 8 बजे आप ओपन करोगे और प्रीवियस डे के सिग्नल आप एनालाइज करोगे फॉर 9:15, 9:15, 9:20 को हमें सौदा लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल टारगेट स्टॉप लॉस और टारगेट डेट, ये तीन चीजों की जरूरत है। वंस यू मेक अ व्यू ऑन अ स्टॉक, तीन चीजों की हमें जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज टारगेट। तो टारगेट कैसे ढूंढेंगे, बेस्ड ऑन हेवीएस्ट कॉल हेवीएस्ट पुट, सिमिलर विद स्टॉप लॉस, हेवीएस्ट कॉल और हेवीएस्ट पुट के बेसिस पर आप देखोगे। एंड टारगेट डेट के लिए हम ATR को यूज करेंगे, एवरेज टू रेंज डेली चार्ट लगा लीजिए जाकर उस स्टॉक का, करंट एक्सपायरी के फ्यूचर्स का आप डेली चार्ट लगाओगे, ठीक है। रोलिंग फ्यूचर्स या प्रीवियस फ्यूचर्स नहीं लगाएंगे, करंट एक्सपायरी के फ्यूचर्स का, जैसे मैंने फ्यूचर्स का डेट सिलेक्ट किया वैसे आप फ्यूचर्स का करंट एक्सपायरी का आप जाकर कॉन्ट्रैक्ट का डेटा लगाओगे और उस पर आप ATR वैल्यू लगा सकते हो। तो ATR वैल्यू क्या है, 14 का बाय डिफॉल्ट ATR लगता है, तो जो भी ATR वैल्यू है करंट कैंडल का, डेली कैंडल का, उसका आप हाफ वैल्यू कंसिडर करोगे, जो आपको बताएगा कि ऑन एवरेज स्टॉक कितना भागता है या कितने पॉइंट्स का मूव देता है ऑन एवरेज। तो अगर स्टॉक अच्छा मूव दे रहा है दैट इज गोल्डन, देन आपके लिए फिर फेवर में ही है वो, तो आप डेफिनेटली वो चीज कर सकते हो। अगर स्टॉक अच्छा मूव नहीं दे रहा है देन डेफिनेटली आप वो नंबर ऑफ डेज थोड़ा सा एक्सटेंड कर लोगे, ठीक है। तो तीनों चीजें मिलने के बाद आप आओगे सिंपली ऑप्टिमाइजर के अंदर, ऑप्टिमाइजर में फाइंड स्ट्रैटेजी ओपन करेंगे और आप सिंपली स्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगे, करंट मार्केट प्राइस बाय डिफॉल्ट आ जाता है वो, या अगर नहीं आ रहा है बाय डिफॉल्ट तो आप वहां पर करंट मार्केट प्राइस लगा सकते हो। बुलिश बेरिश जो भी व्यू है वो आप लगा लो, टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट डेट आप लगा लो, ठीक है। लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज अगर आपको चाहिए तो इट्स ऑप्शनल पैरामीटर्स, आप उसमें जाइए, ऑप्शनल पैरामीटर्स में लिमिटेड रिस्क ओनली आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड वंस यू क्लिक ऑन गेट स्ट्रैटेजी आपको 5 बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे आउट ऑफ द एंटायर ऑप्शन चेन, तो उनसे बेटर स्ट्रैटेजीज डू नॉट एग्जिस्ट। तो जो भी बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी विद द बेस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क उसको आप जाकर सिंपली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूट कीजिए, आपको कुछ एडजस्टमेंट या मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, राइट, सिंपली एग्जीक्यूट कीजिए उसे, यू हैव अ गुड रिवॉर्ड टू रिस्क। तो अगर आपको लॉस भी बुक करना पड़े तो आप एकदम ज्यादा लॉस में नहीं रहोगे, अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर मेकिंग डिसेंट रिटर्न्स। दैट इज द सिंपलेस्ट आइडिया दैट आई कैन गिव यू इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपको एटलीस्ट एक प्रो ट्रेडर अगर आपको बनना है, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रो ट्रेडर विच डेफिनेटली यू वॉन्ट, किसको नहीं चाहिए प्रो ट्रेडर बनना, तो दिस इज द थिंग दैट यू फॉलो, दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो, तो डेफिनेटली आई फील लाइक आप लोगों के लिए भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है वो मेरे लिए सब कुछ है, तो मेक श्योर कि आप यू नो सपोर्ट करते रहिए। आपके बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं जो मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ, तो अगर कुछ चीज मैंने मिस की हो, कुछ चीज अगर मैं भूल गया रहूंगा, कुछ चीज शायद आपको पसंद नहीं आई होगी, तो मेक श्योर कि आप फीडबैक में शेयर कर रहे हो उस चीज को, एंड आई मेक श्योर कि मैं वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज अगेन मैं आप लोगों के लिए हूँ यहाँ पर, तो आई मेक श्योर आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अगेन ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी, आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अभी तो और भी सीरीज में इंस्टॉलमेंट्स आने के बाकी है, फिलहाल वी हैव कवर्ड पोजिशनल ट्रेडिंग, नेक्स्ट प्रोबेबली विल कवर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ऐसे सीरीज बनाते रहेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू ईच एंड ऑल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ योर फेलो ट्रेडर्स, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।